तुझे रोकने वाला कौन मस्ती से जाओ चले जाओ तो या मन की मनोवृत्ति ने कहे हुए है रोकने वाला कौन क्योंकि आज जो भी डायरेक्शन पकड़ ले है मन की मनोवृत्ति फिर इन भी राह पर चालने में भी दिशा में चालन हूँ कोई को नहीं रोक सके अब बात यह है कि डायरेक्शन किसी देनी है सकारात्मक नकारात्मक कोई लक्ष्य है या बिना लक्ष्य के विकारा के सागे या निर्विकार होके यानी किसी राह दिखाई जावे फिर इन्हें कोई को नहीं रोक सके तो कह कीड़ी चाली सास रहे नोमन काजल लाए हाथी बांकी गोद में ऊंट लिया लटकाए तो जी जिया आदमी कीड़ी ने देख के सोचे कि देख छोटो सो जीव है और किताक दिन को तो जीवन है लेकिन फिर भी देखो कितनी लाभदाय है इन कीड़ी के अभी सासरे जा रही है बोलो थे बाल बच्चा की जवाबदारी है सासरे की जवाबदारियां हैं तो सेम ही कंडीशन आदमी की है आदमी भी अपना आपने अमर ही समझे अपनी मृत्यु ने भूल जिया है और कीड़ी के नोमन काजल को मतलब कीड़ी कोई नोमन काजल थोड़ी गाल रखी है अठे आदमी का विकार बताने के लिए आदमी विकाराऊँ बरेड़ो है बैंगली के नोमन का जलसार, तो आदमी भी विकाराऊँ बरेड़ो है और वैने अपनी मृत्यु दिख रही कौन और जिया कीड़ी के आसपास हाथी चाले, घोड़ा चाल मनुष्य चाले, तो वह में कीड़ी अपनी शान समझे क्योंकि कीड़ी ने ऊपर तो दिखे वह नी। तो नीचे ही देखती शमी चल आसपास आस पग पड़े पग बा सोचे अपना आप जा देखो बड़ा बड़ा हाथी घोड़ा मेरा आस पास रहे है बड़ा बड़ा इंसान बाबा मैं शानो शौकत समझे, लेकिन बिना इन चीज़ को ध्यान को नहीं का आगो पग पड़ता ही कचूमर निकल जाए तो इंसान के जीवन पर इन्हें ले के देखा तो हाथी जिया मदमस्त होके चला है अपने अहंकार में कि मैं ही हूं सबू बड़ो जीव और छोटो बड़ो कौन देखे आवे बनी उखाड़ देवे तो हाथी अहंकार को प्रतीक है तो आदमी ने कीड़ी समझा तो हाथी बांकी गोद में मतलब अहंकार आदमी आपके सा रखे ऊंट लिया लटकाए अब ऊंट ने भविष्य की चिंता हो तो वो संचय करेड़ो रखे भोजन को पानी को अपनी कुबड़ में तो मोह है ऊंट तो ऐ हाथी घोड़ा सब में सारा विकार इंक्लूड हो गया है मैं काम क्रोध लोभ मोह वासना कह क आदमी भी सेम कीड़ी की त्रिया ही है और हाथी घोड़ा ने विकाराने सागलिया चाल रही है सास रहे जा रही है कितनी लाभदाय ले रखी है बिना ही मतलब की जबकि शरीर नस्वर है आगे कहे पहले दही जमाइए पाछे दुहिए गाय बछड़ा बाके पेट में माखन हाट बिकाए दही जमाने को मतलब है विचारा ने रोकनो, चित्त ने शांत करनो। के पहले दही जमाओ, चित्त ने शांत कर दो चित्त ने शांत करने के बाद क्या हो गो? पाछे दूही गाय चित्त जद शांत हो जाए और आदमी एक अवस्था प्राप्त कर लेगो, तो अठों अमृत वर्षा चालू हो जाएगी अमृत की बूंद टपकनी चालू हो जाएगी और आदमी भी वी टाइम निर्विकार हो जाए एकदम शुद्ध आत्मा हो जाए प्योर हार्ट सारा अवगुण दूर हो जाए बैंका और बैंक कर्म भी खत्म हो जाए योग की अग्नि हूँ परमात्म के शरणा के तोड़ाऊँ तो इनके लिए कह गए दूध दो पहले दही जमा लो पहले दही जमाइए पाछे दुइए गाय बछड़ा बाँ के पेट में अब देखो यह समाधि की अवस्था है सहस्त्र में एक ब्रह्मरंद्र हो है। और ब्रह्म रंदर के अंदर जद आत्मा ओ मन शरीर में जो जो भी हो है, वह सब वायु जितनी भी है वह सब भी रंदर में समाज है बटे आत्मा परमात्मा ब्रह्मा मन सब एक हो जाए सूरत नीरत सब एक हो जाए तो बह लिए कह बछड़ा माँ के पेट में और माखन हाट बिकाए माखन हाट बिकाने वो मतलब सार तत्व ने प्राप्त कर लेनो यानी समाधि लाग चुकी और ब्रह्म एक हो चुकी है आत्मा माखन हाट बिकाए आगे कहवा अंडा था एक बोलता बच्चा बोलत ना ही षड दर्शन संशय पड़ी जीवों को गम ना ही तो आप सबने भी ध्यान ही हो वो शायद कबीर जी जो जो अपना अपने ज्योतिष का वेद का ग्रंथ का ज्ञाता समझता वह वाद विवाद के लिए कबीर जी कि रहता और कबीर जी भी वाने वाद विवाद के लिए ललकारता रहता तो आ कबीर जी की वाणी है कि अंडा था एक बोलता बच्चा बोलत ना ही तो अठाईंगो मतलब है कि जद कवच हो विकारा को कवच हो और अज्ञान में जब हो अंडे के अंदर जब तो बहुत बोल तो कौन बोल तो जो ज्ञाता है अज्ञानी आदमी है लेकिन अपना अपने ज्ञानी समझ रहे जो वेदांग का ज्ञाता है जो सारा ग्रंथ पढ़ रखे है जो सारा शास्त्र जाने लिए कह कबीर कि जो अपना अपने पंडित कवे सड दर्शन का ज्ञाता बोले वह अंडे के अंदर वह बोलता जद अंडे के अंदर रहा लेकिन जद मेरे सागे वाद विवाद करो और मैं बैंक बांको अज्ञान को पर्दो हटायो तो अब वह बोले कौन नहीं मतलब जब आदमी ज्ञान में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर ले गो या जद ब्रह्म में लीन हो जाएगा समाधियों ज्ञान आ जागो तो वो शांत तो हो जाओ मैंने बोलने की ही महसूस को नहीं हो गए वो सब बकवास और नस्वर दिखे तो बैंक लिए कहे कि मेरी वाणियों जो सड दर्शन का ज्ञाता हा वह संशय में पड़ जाए कि के, के सही है ग्रंथ गलत है के और आम जीव जीवा के कोई बे गम को नहीं आगे पहले छोटा तो जनमिया पछे बड्डा भाई धूमधाम से बाबा जल में पाछे मारी माई तो आया अष्ट चक्रा की बात हो रही है सबसे पहले सब पहली मूलाधार चक्र जागृत तो हो जो गुदा मार्ग पर है लेकिन अंग जागृत होना आदमी के ज्ञान में या सामर्थ्य में गणों फर्क कौन पड़े वो अज्ञानी हो ही रह और ब्रह्म और जीव है यो होन के लाग रो है मेरे सागे मेरे शरीर के सागे यो के घटना कर्म हो रहा है और हल्का मोटा परिवर्तन दिखा है भौतिक तो ब्यों तो वो ब्रह्म आवे है बिंग बाद में ऊपर का चक्कर जागृत तो तो हो स्वाधिष्ठान हृदय चक्कर विशुद्धि चक्कर तो जिया जिया चक्कर जागृति होया जाए बियाँ बिया को ज्ञान बढ़ो जावे तो जो सब पहले चक्कर जागृत तो हो मैंने अज्ञान की वजह क्योंकि ज्ञान घणो सो आवे को नहीं अज्ञान ही बने रह तो बेने छोटो भाई कहे हुए बिना बाद को चक्कर जागृत तो हो तो कुछ ज्ञान की एक अवस्था बड है तो बेने बड्डो भाई कहे हुए है अंत में सहस्त्रधार चक्कर जागृत हो तो ऐने तो कह दियो पिता क्योंकि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए और धूमधाम से बाबा जलने को जन्मने को मतलब नाद भी बाजे लाग जे है ओम को नाद बांसुरी को नाद शंख को नाद इनके लिए और लास्ट में कहे पाछे मारी माई जद समाधि लागे बी टाइम कुंडलिनी शक्ति अपना साढ़े तीन फेरा खोल के और सीधी मेरू दंडू रीढ़ के अड्डी के सहारे सहारे अठा आके शिव मिलन मनावे और बहने देवी शक्ति कही है पार्वती कही गये है कुंडलिनी शक्ति ने तो बहने कही है माई और एन एन सैस्त्र धार ने कहे है शिव और एस बाकी चक्कर है आने छोटो भाई बड्डो भाई बड्डो भाई, भाई सीरियलूँ और आगे क्या? कहे कबीर सुनो भाई, सुन। भाई साधु इस वाणी का जो भेद खोल दे वही मोक्ष पद पायो क्या आ सब को जो भेद खोल देवे वो मोक्ष पद पायो तुझे कोई रोकने वाला कौन मस्ती से जाओ चले जाओ तुझे कोई रोकने वाला कौन मगन हो जाओ चले जाओ कीड़ी चाली सास नामन काजल सार कीड़ी चाली सास नाम काजल सार राम नोम का जड़सार हाथी बांकी गोद में हाथी बांकी गोद में ऊट लियो ये तुझको रोकने वाला कौन मस्ती से जाओ चले जाओ तुझे कोई रोकने वाला कौन मगन हो जाओ चले जाओ अंडा था एक बोलता बच्चा बोलत नाइ रामा अंडा था एक बोलता बच्चा बोलत नाइ रामा बच्चा बोले ना सर दर सन सन सै पड़ी सर सन सन सै पड़ी जीवों को गम नाही तुझको रोकने वाला कौन मस्ती से जाओ चले जाओ तुझे कोई रोकने वाला कौन मगन हो जाओ चले जाओ <coughs> पहले दही जमाइए है पाशे दू पहली दही जमाइए है पाछे दू होगा रामा पाछ दू होगा बछड़ा बाँ के पेट में बछड़ा गऊ के पेट में माखन हाट बिकाए तुझको रोकने वाला कौन मगन हो जाओ चले जाओ तुझे कोई रोकने वाला कौन मस्ती से जाओ चले जाओ <coughs> पहले तो छोटा जनमिया मियाँ बड़ा भाई पहले तो छोटा जनमिया पा बड़ा भाई रामा पछे बड़ा भाई धूम धाम से बाबा जन में धूम धाम से बाबा जन में पाछे मोरी माई तुझको रोकने वाला कौन मस्ती से जाओ चले जाओ तुझे कोई रोकने वाला कौन मगन हो जाओ चले जाओ <coughs> कहे कबीर सुनो रे भाई साधु इस वाणी का भेद बताओ कहे कबीर सुनो रे भाई साधु इस वाणी का भेद बताओ रामा बानी का भेद बताओ जो वाणी का भेद खोल दे जो इस वाणी का भेद खोल दे वही मोक्ष पद पायो तुझको रोकने वाला कौन मगन हो जाओ चले जाओ तुझे कोई रोकने वाला कौन मस्ती से जाओ चले जाओ तुझे कोई रोकने वाला कौन मस्ती से जाओ चले जाओ